शेख, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में मोहम्मद साजिद कुरैशी, इन शॉर्ट कुरैशी साहब, तशरीफ लाए। और ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लीडिंग सोशल वर्कर है साउथ मुंबई के, स्पेशली कंप्राइजिंग ऑफ मझगांव डिवीजन। वो कुछ बताना चाहते हैं कि मझगांव की जो सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसमें क्या गोलमाल हो रहा है, उसमें वहां के ऑफिस बेयरर कैसे बड़े बड़े लाखों रुपए का गबन कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं वहां के रहने वालों के साथ। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं कुरैशी साहब से कहूंगा कि व्यूअर्स को डिटेल्स में बताए कि क्या खजाना है आपके पास इन चीटर ऑफिस बेयरर ऑफ मझगांव पावर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मझगांव की जिस सोसाइटी का टावर का आप तस्करा करना चाहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा स्कैम हुआ है, चीट हुआ है वहां के फ्लैट ओनर के साथ, तो उस बिल्डिंग का, उस टावर का नाम क्या है? शेख साहब, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इससे पहले भी आपने आपके 4N के न्यूज में इसी बिल्डिंग का तस्करा किए थे, जिक्र किए थे, शिव शंकर को ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। एड्रेस क्या है इसका? बैरिस्टर नाथ पाई रोड, माजगांव, मुंबई 10। तो यहाँ पे क्या स्कैम हुआ है, क्या चीट हुआ है वहां के ओल्ड ऑफिस बेयरर, जिन्हें चेयरमैन कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, ट्रेजरर कहते हैं, तो क्या चीट हुआ वहां पे, जरा व्यूअर्स को बताइए। इस बिल्डिंग का पहले तो मैं बताऊं, CS नंबर 523 523 और मझगांव डिवीजन, मझगांव डिवीजन। मसला ये है कि इस बिल्डिंग में पहले जो लोग सोसाइटी में चुन के आए थे, वो लोगों ने जब सोसाइटी में पता चला दूसरे लोगों को कि इन्होंने 42 लाख रुपए का गबन किए, तो जो नए लोग थे उन्होंने आनन फानन में एक मीटिंग डिसाइड किए, लोगों को कहा कि नया इलेक्शन होगा, वापस से इलेक्शन किया जाए, नए लोगों को चुना जाए। ये लोगों ने 5 साल में ये लोगों ने 42 लाख रुपए का गबन किए। मैं कुर्शी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो 40 लाख रुपीज की जो इनकम हुई थी इस सोसाइटी में, तो कैसे हुई थी और इतना बड़ा रुपया कहाँ से जमा हुआ? इसके ऊपर एक्चुअल में बताओ, हर कंपनी का मोबाइल टावर है टेरेस पे, उसका लाखों रुपया। एक अंदाजन में बताता हूँ, जैसे कि यही लोग बताते थे कि 14 लाख के करीब साल का, कभी 12 बोलते हैं, बहरहाल लाखों रुपया टावर का आता। 3 रूम है जिसमें एक एजुकेशन के लिए, एक बालवाड़ी के लिए, एक ऑफिस के लिए। एक ऑफिस को अब 5 साल इस्तेमाल किया गया, इससे पहले 3 रूम कंटिन्यू रेंट पे दिया गया, लोगों से मेंटेनेंस अलग लिया जाता है, मेंटेनेंस लेट हुए तो फाइन अलग लगता है। तो पैसा बताने का मतलब, पूरा जमा होने के बाद में, टावर का पैसा आने के बाद में भी, जब गबन की बात सामने आई तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में नए लोग आए, 5 साल ये लोग रहे, इन्होंने प्रॉमिस किए थे, ऑन स्टेटमेंट प्रॉमिस, कि 42 लाख रुपीस पुराने लोगों से लिया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, सोसाइटी के अकाउंट में वो पैसा जो इन्होंने खाए वो आएगा। ये जो 5 साल रिसेंट रहे, अब ये एक्स हो गए, ये लोगों का प्रॉमिस था सोसाइटी के सारे मेंबर और जितने भी रेसिडेंशियल है सबके सामने, फ्लैट ओनर के सामने, सबके सामने प्रॉमिस किया गया, वो 42 लाख इन्होंने लिए नहीं। वो क्यों नहीं लिए? साल के अपने टेनर में रिकवर नहीं करे, नहीं किए। दूसरा शेख साहब, कि उन्होंने जो पैसे तो लिए नहीं और एक प्रॉमिस किए थे कि ये जो सदस्य थे इनके घर वाले कोई भी इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे, अगर इन्होंने अपना फ्लैट, अपना जो रूम है बिल्डिंग का बेचने निकाले, जो जो पैसा गबन के उसमें आए थे पुराने सोसाइटी वाले, उनसे 10-10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीज उनको कहा जाएगा कि सोसाइटी में आप जमा करो अगर आपका रूम ट्रांसफर होगा, वो भी नहीं हुआ। अब जाके 5 साल हो गया, अब जाके फिर इलेक्शन हो रहा, आनंद फानंद में इलेक्शन किया जा रहा है। तो यही बताने का मतलब है, कानून को ये लोग सिस्टम से नहीं लेते हुए ये लोग गलत तरीके से इलेक्शन कर रहे हैं, जो कि कानूनन गलत है। कुरैशी साहब, जैसा आप बता रहे कि पुराने जो ऑफिस बेयरर थे, जो 2013 से 2015 के बीच में शिव शंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस पे काबिज थे, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजर, और इन्होंने
42 लाख रुपए का गबन किए थे और इन्होंने ही बालवाड़ी और वेलफेयर सेंटर को भाड़े पे दिए थे। अब उसके बाद आपने कहे कि जो दूसरी सोसाइटी बनी थी 2018 से लेकर 2023 तक, इन्होंने जो वादे किए थे जैसा आपने एक्सप्लेन किया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो वादे भी इन्होंने फुलफिल नहीं किए। और अब सुनने में आया है कि लेटेस्ट इलेक्शन होने वाला सोसाइटी का, तो जरा व्यूअर्स को डिटेल्स में बताइए। इलेक्शन का मुद्दा ऐसा हुआ कि जो अभी पुराने एक्स हो गए चेयरमैन सेक्रेटरी, इन्होंने एक और प्रॉमिस किए थे कि ये लोग रिटर्न इलेक्शन में वापस नहीं फॉर्म भरेंगे, ये लोग नहीं खड़े होंगे, दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ये भी प्रॉमिस गलत हुआ, उसमें से फिर लोग इलेक्शन के लिए फॉर्म भरे आनंद फानंद में सब करके। दूसरा, इन्होंने जो कहा था कि जो लोग पैसा पहले सोसाइटी में गवर्न किए थे उनका सदस्य कोई खड़ा नहीं होगा, उनका भी घर का सदस्य खड़ा हो रहा है ये 7 तारीख के इलेक्शन में, अभी जो 7 जनवरी को है 2024। हमने इसके लिए हर जगह लेटर डाल दिए, एसआरए से लेके जो भी डिपार्टमेंट है और भी पुलिस डिपार्टमेंट, हर जगह जहां जहां लगता हमने लेटर डाल दिए स्टॉप द इलेक्शन। रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को भी दिए, रजिस्टर ऑफिसर को दिए, सबको दे दिए लेटर कि ये इलेक्शन जो है पूरा गलत हो रहा। इससे पहले जो वसंत करके थे वो नाम हमें बताया गया था कि वो इलेक्शन ऑफिसर आएंगे, लेकिन इन्होंने राव साहेब रेडेकर करके कोई बंदा है उसे लाए और उसे अपॉइंट किए। जब पता चला कि वो बंदे को पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एसआरए से हूं, और जब मैंने उससे मुतालबा किया आप एसआरए से कौन से डिपार्टमेंट से, आपका कोई आई कार्ड है, कोई विजिटिंग कार्ड है, तो बोले नहीं मैं भूल गया। जब उसकी हमने माहिती डाले एसआरए में तो पता चला उस नाम का कोई बंदा एसआरए में है ही नहीं, एसआरए ने उसको अपॉइंट की नहीं थी, तो इतनी बड़ी चीट। और अब आनंद फानंद में ये लोग 7 तारीख का इलेक्शन रख के, ताकि जो मोबाइल टावर आ रहा है जिसका लाखों रुपया आ रहा है, ये लोग फिर से इलेक्शन में होके और फिर अकाउंट में पैसा जमा होगा, और उसके बाद में फिर गोलमाल करने में कोई समझदार आदमी को नहीं लेते हुए इन्होंने सब में पहले तो और एक चीटिंग ये की है कि 13 दिसंबर 2023 को क्लोज कर दिए, जो कि 14 का इन्होंने राइटिंग में लिखे हुए थे और 15 दिसंबर का इन्होंने कहा था क्लोज होगा, दो दिन पहले नॉमिनेशन सोसाइटी इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो लास्ट डेट बोले थे 15 और 13 को इन्होंने किए, वो भी चीट, एसआरए के साथ चीट, रजिस्ट्रेशन ऑफ को भी पता नहीं है, सोसाइटी को भी पता नहीं है। राव साहेब को जब पूछा गया तो वो भाग खड़े हुए, उनको पूछा जाता है सवाल तो वो बोलते हैं, आनंद फानंद में जवाब देते हैं, उसके बाद में अब वो कुछ सही जवाब नहीं दे पा रहे। कुरैशी साहब, आप व्यूअर्स को बताइए कि आपने जो लीगल नोटिस मारे एडवोकेट के थ्रू टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, जरा इस बारे में व्यूअर्स को बताइए। देखिए, ये हमने टोटल जो भी डिपार्ट है एडवोकेट के थ्रू, सोसाइटी, एसआरए, हर जगह हमने ये लेटर दे दिए, स्टॉप वर्क न्यू इलेक्शन, ये पूरे ही गलत तरीके से हो रहा है और ये इलेक्शन नहीं किया जाए। ये लोगों ने अपने सिस्टम से एसआरए को, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को इन्होंने ताक पे रखते हुए, अंधेरे में रखते हुए, राव साहब रेडेकर जो इनसे कंसल्ट में है बताया जा रहा है, उन्होंने कुछ 30,000 के करीब घूस लेके उनका भी हमने एंटी करप्शन ब्यूरो में उनका भी हमने लेटर डाले हैं कि ये चीटिंग से, जब वसंत करके उनका नाम डिक्लेयर हुआ था तो इन्होंने अपने मर्जी से इस राव साहब रेडेकर को लाए और पता नहीं चला कि इसे कब अपॉइंट किया गया। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो हरकतें नजर आ रही है, जो हाल फिलहाल में जो सोसाइटी भंग हुई जिनके 5 साल पूरे हो गए, तो ये हर तरीके से हर उर्वा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन में इनके ही सिलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करें, इनका ही सोसाइटी में कब्जा रहे, इनका ही आदमी चेयरमैन बने, जनरल सेक्रेटरी बने, ट्रेजरर बने, ताकि शिव शंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इनका दबदबा रहे, जिसका सीएस नंबर है 523 ऑफ मजगढ़ डिवीजन और रजिस्ट्रेशन नंबर है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है TC/1385/2007। तो ये टॉप टू बॉटम इरेगुलरिटीज हो रही है इस सोसाइटी इलेक्शन, जो कि 7 जनवरी 2024 में होने वाला है।
आप कुछ फरमा रहे थे कि जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, गोयल मेरे नाम पे फ्लैट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का नाम इंक्लूड हो, यानी कि मुझे कुछ हो जाता है तो विदाउट गोइंग टू कोर्ट या रजिस्टर्ड ऑफिस में नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो आप बता रहे थे कि कुछ मसला है कि ये लोग या ऑफिस बेरे जो हाल फिलहाल में जो सोसाइटी भंग हुई उन्होंने भी उसमें कुछ कोताही की। दो लोगों का और नॉमिनेशन फॉर्म भरना था, एक तो 4 महीने पहले जो नॉमिनेशन फॉर्म दिया गया था उसे ये लोगों ने शो अप नहीं किए, सोसाइटी के मसले में दिखाए नहीं, रजिस्टर ऑफ सोसाइटी जो इलेक्शन होगा। दूसरा एक और नॉमिनेशन था वो भी ये लोगों ने 2 दिन पहले ही क्लोज कर दिए, जो के कानूनन गलत है, इसलिए एसआरए को सारी कंप्लेन राइटिंग में लिखी दे दी गई है। नहीं, ये जो सेकंड आपने बोले ना नॉमिनेशन फॉर्म, ये इलेक्शन का ना, इलेक्शन पार्टिसिपेट का, तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये ऑफिस बहरा जो हाल फिलहाल में जिनकी सोसाइटी भंग हुई है, इनके दिमाग में सिर्फ नोट कमाना है, फ्लैट ओनर के काम को अंजाम देना नहीं। अगर कोई फ्लैट ओनर नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है कि मेरे नाम के साथ सो एंड सो, मेरे रिश्तेदार का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरी वाइफ का नाम, मेरे बच्चों का नाम जमा किया जाए, फॉर्म जमा किया जाता है 3 कॉपी में, तो वो ना करते हुए और जो इलेक्शन का फॉर्म है वक्त से पहले विंडो बंद करना, यानी 15 दिसंबर लास्ट थी और 13 को ही बंद करना, इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये ऑफिस बेरर जो आज की सोसाइटी भंग हुई है वो किसी और को, कोई और फ्लैट ओनर को इलेक्शन में हिस्सा देना चाहते हैं। और अपने मनपसंद का राव साहब रेडियो पता नहीं चला वो बंदा कब आया। और एक चीज आपको बता दूं, इलेक्शन में ये लोग जो खड़े होने की इनको होड़ लगी है वो एक ही है, वो है मोबाइल टावर, जो टेरेस पे हर कंपनी का मोबाइल टावर जिससे लाखों रुपया आ रहा है। आज अगर मोबाइल टावर नहीं होता तो मैं समझता हूं इस बिल्डिंग में कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होता। आज लाखों रुपया आ रहा है तो बस वही दिख रहा है, पैसा बोलता है। तो अब हम गुहार लगाएंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से, हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे से, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसआरए सतीश लोखांडे से, म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर और स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेंद्र भारती से कि देखिए सर इस शिवशंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कितना बड़ा गोलमाल हो रहा है। सबसे पहले मोबाइल टावर तो कोई भी सोसाइटी के टेरेस पे लगना ही नहीं चाहिए, उसकी लेंथ से टॉप फ्लोर के रहने वाले जो फ्लैट ओनर है उनको ना जाने कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हार्ट का ट्रबल हो सकता है। और इस सोसाइटी में सुनने में आया है कि कई लोग मर चुके हैं, हार्ट से भी, कैंसर से भी, बीमार भी हुए, एडमिट भी हुए। तो इतना बड़ा गोलमाल कर रही है वहां के ऑफिस बेरर चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर जो हाल फिलहाल में रिजाइन देंगे, रिटायर्ड होंगे क्योंकि उनका 5 साल का टेन्योर पूरा होगा, पहले वाले भी गोलमाल किए और ये लोगों ने कोई रिकवरी नहीं की। तो इसके तहत इमीडिएट स्टर्न एक्शन होना चाहिए, नोटिसेज इश्यू होना चाहिए, जितने भी मोबाइल टावर सारी लीडिंग कंपनी के मोबाइल टावर इनकी टेरेस पे है और ये फौरन निकलना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने फ्लैट ओनर का जो पैसा था सोसाइटी के अकाउंट में जिसको इन्होंने गोलमाल किए, गबन किए, स्कैम किए, 42 लाख तो ओपन ही है, तो इन सब पे FIR होना चाहिए और इमीडिएट स्टर्न एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए।